हैं और जदयू और भाजपा के संपर्क में हैं। लगातार वो लोग चाहते हैं कि हम लोग सकारात्मक सोच के साथ भाजपा जदयू का सहयोग करें और वो लोग भागने की स्थिति में हैं। और निश्चित रूप से इसी डर से तेजस्वी प्रताप यादव जी के जो लोग हैं या खुद हो, इस तरह का तरह र्यूमर उड़ा रहे हैं। कभी कहते हैं कि नित्यानंद राय जी आना चाहते हैं, कभी उन हमारे विधायक जाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई काफ़ी दूर है और सच्चाई यही है कि उनके विधायक सुरक्षित रह जाएं, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, सपना देखना सबके लिए आसान है और ये सच्चाई सब लोग जानता है कि राजद में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लोग नकार रहे हैं, उनके विधायक उनसे खफा हैं और जदयू और भाजपा के संपर्क में हैं। लगातार वो लोग चाहते हैं कि हम लोग सकारात्मक सोच के साथ भाजपा जदयू का सहयोग करें और वो लोग भागने की स्थिति में हैं। और निश्चित रूप से इसी डर से तेजस्वी प्रताप यादव जी के जो लोग हैं या खुद हो, इस तरह का तरह र्यूमर उड़ा रहे हैं। कभी कहते हैं कि नित्यानंद राय जी आना चाहते हैं, कभी उन हमारे विधायक जाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई काफ़ी दूर है और सच्चाई यही है कि उनके विधायक सुरक्षित रह जाएं, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज ये दावा किया है कि तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे अपने परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें कही है एकदम 100% सही है और आज नहीं, लंबे समय से आम लोग में चर्चा का विषय रहा है, समाचार पत्रों में भी आते रहा है कि तेजस्वी यादव जी लगातार भूपेंद्र जी के संपर्क में दिल्ली जाके मिलते रहे हैं, नित्यानंद राय जी से भी संपर्क किया है और उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव दिया था जो सब लोग जानता है, बिहार की सारी जनता जानती है कि भाजपा को चाहते थे मुख्यमंत्री और खुद डिप्टी सीएम बने, लेकिन इसके एवज जो चाहते थे कि उन्हें रिलीफ मिले, उनके परिवार को रिलीफ मिले केस में, जो केस चल रहा है उनके परिवार के ऊपर माननीय लालू जी के ऊपर, उससे वो रिलीफ चाहते थे, लेकिन भाजपा ने इसमें कोई हस्तक्षेप करने से मना किया। वो कहा कि वो न्यायालय का मामला है, हम इसको कोई मदद नहीं करेंगे, तब फिर वो बैक हो गए।